इसराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन युद्ध चला। इस युद्ध में इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया। इस्लामिक देशों के एक खास संगठन OIC ने भी इसराइल के खिलाफ बयानबाजी की, पर इसराइल किसी के बयानों या गीदड़ भपकियों से नहीं डरा। ऐसा क्या हुआ कि 57 मुस्लिम देश भी मिलकर इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बताते हैं आपको इस वीडियो में। इसराइल फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिन लंबे युद्ध में अब पूर्ण विराम लग चुका है। इस युद्ध में एक समय ऐसा लग रहा था कि इसराइल इस्लामिक मुल्कों द्वारा किए जा रहे इसराइल विरोधी बयानों से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध 10 मई 2021 से शुरू होकर 21 मई 2021 तक चला। फिलिस्तीन की ओर से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स इसराइल की ओर दागे गए, पर इसराइल का मजबूत आयरन डोम सिस्टम इन हमलों को बर्बाद करता रहा। इस युद्ध में कुवैत, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान, इराक, UAE ने फिलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन केवल बयानों से। इस्लामिक देशों का महत्वपूर्ण संगठन OIC भी इसमें कुछ खास नहीं कर पाया। जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा था, तब OIC ने एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। ऐसा लग रहा था मानो इसराइल पर दबाव बना लिया जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद OIC की स्थापना हुई थी। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण मकसद फिलिस्तीन की मदद करना और फिलिस्तीन को इसराइल के साये से मुक्त करना था। इस संगठन की शुरुआत 30 देशों से हुई थी, आज इसमें 57 देश हैं। लेकिन OIC के इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में कुछ खास न कर पाने के अपने कारण हैं। दरअसल OIC के कई देशों से इसराइल के अच्छे संबंध हैं। तुर्की और सऊदी अरब इसके बड़े उदाहरण हैं। यही वजह है कि ये देश इसराइल का विरोध तो करते हैं, पर सीधे तौर पर कोई भी कार्रवाई करने से बचते हैं। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान इसराइल का खुला समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद व्हाइट हाउस से स्पीच देकर दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। My party still supports Israel. Let's get something straight here. Until the region says unequivocally they acknowledge the right of Israel to exist as an independent Jewish state, there will be no peace. बात करें अगर भारत की, तो भारत ने इसमें मध्यस्थ रुख अपनाया। भारत ने दोनों देशों से शांति रखने की अपील की। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इसराइल के साथ होने के और घनिष्ठ संबंधों को उजागर भी किया। बात करें अगर उन देशों की जिन्होंने इसराइल का खुला समर्थन किया, तो वहां जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया समेत 25 देश ऐसे थे जिन्होंने इसराइल का खुले तौर पर समर्थन किया। इन देशों के इसराइल को समर्थन देने की वजह से खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन देशों का धन्यवाद किया। पर इन सबके बीच ताकतवर माने जा रहे OIC देशों की पोल खुल गई। इनमें से दो देश सऊदी अरब और लेबनान तो एक दूसरे से ही लड़ लिए, जिसके चलते लेबनान के विदेश मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। बात साफ है कि इसराइल जैसे 90 लाख की आबादी वाले देश ने खुद को आयरन डोम से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से आज तक आक्रमणकारियों से बचा कर रखा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।